नमस्कार मित्रों, मैं एमके वर्मा पैंथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अपने विजय का संक्रांत कीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित अगला टॉपिक, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, भारत के सीमावर्ती देश के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं और अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो प्रश्न, आसान सा प्रश्न गलत होने का प्रबल चांस रहता है। अच्छे अच्छे लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो आइए आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक को बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं और अगर इस टॉपिक को ठीक से सीख लेंगे तो फिर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित गलत नहीं होने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, भारत के सीमावर्ती देश और इन देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। ये हम आज के सेशन में सीखेंगे। हाँ, ये देखिए भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले पाकिस्तान है, ये अपना नटखट पड़ोसी, जो काफ़ी गांव की भाषा में कह लीजिए कि कुछ लोग बहुत चिबिल्ला टाइप के होते हैं, तो ये अपना चिबिल्ला पड़ोसी है, इसको भी हम लोग जानेंगे। फिर सेकेंड है अफगानिस्तान, चाइना भी पाकिस्तान के ही तरह है, काफ़ी कनिंग माइंड वाला देश है। फिर नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मालदीव है, श्रीलंका है, ये कुल 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इसमें जो यहाँ से लेकर के 7 नंबर तक के हमारे पड़ोसी देश हैं, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा लगती है। फिर इसके बाद ये जो नीचे 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, ये भी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनकी सीमा स्थल रूप से भारत से नहीं जुड़ी हुई है, ये समुद्री सीमा से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। समुद्री सीमा इनके साथ बनती है भारत की, समुद्री सीमा। तो ये अंतर है, 9 पड़ोसी देश हैं लेकिन 1 से लेकर के 7 तक के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की स्थलीय सीमा है, बाकी मालदीव और श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा होती है। अब ये क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत के साथ कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो उसमें बांग्लादेश है, ये 1st नंबर पे है, कुल 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो देश है वो है चाइना, ये 3488 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा साझा करता है। फिर तीसरे नंबर का पाकिस्तान है, ये 3323 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की साझा होती है और फिर उसके बाद में अगर एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे कम दूरी की सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो वो देश है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है।
ये 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। तो यहाँ से प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उसका आंसर बांग्लादेश होगा। और अगला एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत किस देश के साथ, किस पड़ोसी देश के साथ सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अब इसमें ये कभी कभी जैसे बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, इसको दे करके इसका क्रम भी पूछ सकता है। तो अगर हम जानते रहेंगे कि फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है, सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पे पाकिस्तान है और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है, इतना हम जानते रहेंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, एक मैप लगा हुआ है, इस मैप से भी हम जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये इधर भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान है, इसकी सीमा देखिए यहाँ से चल रही है पूरा यहाँ तक जो है शुरू होकर के यहाँ तक पाकिस्तान है। फिर इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ ऊपर जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है। फिर इस तरफ आएंगे तो ये चीन है। अभी हमने बताया काफ़ी कनिंग माइंडेड कंट्री है ये, तो ये चीन है। यहाँ देखिए नेपाल है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। ये देखिए नेपाल, यहाँ तक देखिए, ये सब ये नेपाल है। और उसके बाद में यहाँ भूटान है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। और फिर इधर आ जाएंगे, पूरब तरफ आ जाएंगे, लास्ट में यहाँ तो है म्यांमार। और ये देखिए इधर पूरब में ही बांग्लादेश है, इसके तीन तरफ से हमारे देश की सीमा है, इसके पश्चिम से भी, उत्तर तरफ से भी और पूरब तरफ से भी भारत है। और फिर इधर श्रीलंका देखिए समुद्र में है, यहाँ मालदीव पड़ेगा लक्षद्वीप के नीचे, इधर यहाँ मालदीव है। तो ये भी भारत के साथ दो देश हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। बाकी इधर के जो देश हैं हमारे, ये सब स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पूछ लेता है कि इस देश से हमारे देश के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम मैप को ठीक से नहीं जाने रहेंगे तो हमारा ये सवाल जो है गलत होने का एकदम भरपूर चांस रहता है। तो हम लोग इसमें सीख लेंगे, आज के बाद से इस टॉपिक से हमारा एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा, अगर इसको बढ़िया से सीख लेंगे तो। तो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया हमारा गुजरात, एक गुजरात हो गया पहला नंबर। दूसरा भारतीय राज्य है राजस्थान, ये भी जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, टच करता है। अच्छा, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा राज्य है लद्दाख। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कुल पांच भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। उसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। इसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये तीन राज्य हैं, बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इतने भारतीय राज्य पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन
निश्चित ही एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और अगर ठीक से हम इसको सीख लेंगे तो फिर गलत नहीं होने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य सिर्फ एक ही है, वह है लद्दाख। लद्दाख, पहले इस प्रश्न का आंसर जम्मू कश्मीर हुआ करता था पहले, यानी कि जब 370 अनुच्छेद के तहत जब जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसको जब समाप्त किया गया, उसके पहले अफगानिस्तान की सीमा को टच करने वाला जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तब से अफगानिस्तान की सीमा को सिर्फ लद्दाख टच करता है। अब जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान को नहीं टच करती है, ये हमें जानना चाहिए। ये अभी भी बहुत सी किताबों में इसको अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इस समय यही स्थिति है कि अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हमको जानना चाहिए। आगे देखते हैं, जो काफी कनिंग माइंडेड कंट्री चाइना है, इसको हमारे कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा लद्दाख, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये चीन को स्पर्श करता है। फिर दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, ये टच करता है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, उत्तराखंड टच करता है। और चौथे नंबर पर अब आप आ जाएंगे तो सिक्किम टच करता है, सिक्किम। और पांचवे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा सबसे पूरब का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो इस प्रकार से चीन के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले भारत के कुल पांच राज्य हैं, उसमें लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पांच राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये हमें जानना चाहिए। दे देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो तीन इसमें से दे देगा और एक जो है कोई और दे देगा, नागालैंड दे सकता है, बिहार दे सकता है। तो अगर हम जानते नहीं रहेंगे तो हमारा सवाल गलत होने का भरपूर चांस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए मैप को भी देख लेते हैं हम। अभी जैसे चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य को हम लोग देखे हैं, इसको थोड़ा हम लोग मैप पर भी देख लेते हैं। ये देखिए, इधर चीन है, चाइना, देखिए ये लद्दाख इसको स्पर्श कर रहा है, हिमाचल प्रदेश भी स्पर्श कर रहा है, ये उत्तराखंड स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ देखिए नेपाल शुरू हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं टच कर रहा है। इधर बिहार हो गया, बिहार की सीमा यहाँ समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए ये हमारा एक राज्य है सिक्किम, ये चीन को टच कर रहा है। फिर इधर देखिए भूटान आ जाता है, तो सबसे पूरब का राज्य हमारा इधर जो है अरुणाचल प्रदेश है,
ये चीन को स्पर्श कर रहा है। तो कुल 5 भारतीय राज्य हैं जो चीन को स्पर्श कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, नेपाल को स्पर्श करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो एक हो गया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से निकल करके बना था, तो दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और तीसरा बिहार, तीसरा बिहार है, चौथा है पश्चिमी बंगाल, भी इसको टच करता है नेपाल को, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी नेपाल को टच करता है, और पांचवा राज्य है सिक्किम, सिक्किम भी जो है नेपाल को टच करता है। तो कुल 5 राज्य हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं, मैप इधर लगा हुआ है, हाँ ये देखिए नेपाल को देखिए, यहाँ ये देखिए उत्तराखंड नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, फिर हमारा ये उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए बिहार है, बिहार है, और फिर इतना ये पश्चिमी बंगाल है, और फिर ये सिक्किम है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, या 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ नेपाल को स्पर्श करते हैं। ये हो गया, ये देखिए लिखा गया था उत्तराखंड, ऊपर से अगर आएंगे ऐसे उत्तर की तरफ से, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, कुल 5 राज्य हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। आगे देखिए भूटान को, भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो सबसे पहला है इसमें सिक्किम, सिक्किम भूटान के पश्चिम में है, एक सिक्किम हो गया, फिर दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये यहां लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा राज्य है हमारा असम, असम भी भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कुल 4 राज्य हैं जो भूटान को स्पर्श करते हैं। इसको हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं, ये देखिए ये भूटान है, तो ये हो गया सिक्किम, फिर ये देखिए पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल इधर से गया हुआ है, फिर इधर से असम आ गया, ये असम है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो कुल 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान को स्पर्श कर रहे हैं, उसमें से पहला सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, और फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो ये हमें जान लेना चाहिए, और इसको मैप पर भी, ब्लैंक मैप पर अगर एक दो बार हम लोग भर लेंगे, थोड़ा समस्या तो होगा, लेकिन अगर हम लोग भर लेंगे समय दे करके, तो एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर सवाल गलत होने वाले नहीं हैं। फिर आगे देखिए, ये हो गया नेपाल के साथ, ये देखिए भूटान को, अब म्यांमार को स्पर्श करने वाले कौन से, म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार देखिए सबसे पूर्व का देश है जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है,
तो म्यांमार को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में सेकेंड राज्य है नागालैंड, नागालैंड है। तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है मिजोरम, चौथा राज्य है मिजोरम। तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे आएंगे, अगर मैप को देखेंगे तो उसके नीचे इधर से आएंगे तो नागालैंड, और फिर उसके बाद में मणिपुर, और फिर चौथा राज्य है मिजोरम। इतने राज्य म्यांमार को स्पर्श करते हैं। इसको हम लोग मैप से देख लेते हैं। ये देखिए मैप लगा हुआ है, इधर है म्यांमार, ये इधर जो है म्यांमार है, म्यांमार। अब म्यांमार को देखिए कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श कर रहे हैं, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए यहां तक जो है आकर के म्यांमार को स्पर्श कर रहा है। फिर इसके इधर आएंगे थोड़ा और साउथ में आएंगे तो नागालैंड है, और साउथ में आएंगे तो ये मणिपुर है, और फिर इधर आ जाएंगे तो मिजोरम है, ये देखिए। तो कुल चार राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है, विकल्प में दे देगा, त्रिपुरा को भी दे सकता है, असम को भी दे सकता है, तो जो जानता रहेगा उसका नहीं गलत होने वाला है, और जो प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, मैप को नहीं देखा रहेगा, बहुत लोग होते हैं वो मैप को नहीं देखते, वो ऐसे रट लेते हैं, भूल जाएंगे ऐन वक्त पर, उनका रटा हुआ भूल जाएगा, और जो मैप को ब्लैंक मैप को भरा रहेगा उसका कभी नहीं गलत होगा। तो ये स्थिति है। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसको स्पर्श करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो पहला भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये क्यों हो गया? दूसरा है असम, और तीसरा है मेघालय, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा हो गया त्रिपुरा, और पांचवा राज्य हो गया मिजोरम। तो इस प्रकार से कुल देखिए पांच भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, एक पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें देखिए पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा साझा होती है, जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, वही रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, रेड क्लिफ लाइन। और फिर यहां देखिए एक राज्य है ये त्रिपुरा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश इस भारतीय राज्य को त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरे हुए है। ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसको बांग्लादेश तीन तरफ से घेरे हुए है, तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको जीरो लाइन भी कहते हैं, शून्य रेखा या जीरो लाइन, जीरो लाइन या शून्य रेखा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बांग्लादेश के साथ
किस राज्य की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं या शून्य रेखा कहते हैं। तो विकल्प में मान लीजिए पश्चिम बंगाल, ये जितने राज्य बांग्लादेश को टच कर रहे हैं वो दिए रहेंगे। तो अगर हम ये जानते रहेंगे तो ये प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, इसको वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार हम लोग समराइज कर देते हैं फटाफट। हाँ, ये देखिए, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा के द्वारा जुड़े हुए हैं। बाकी मालदीव और श्रीलंका है, ये समुद्री सीमा के द्वारा जुड़े हुए हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत के साथ टच करता है और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान की है, जो भारत के साथ टच करती है। फिर आगे देखिए, हाँ इधर देखिए मैप पे, इधर पाकिस्तान है, यहाँ देखिए अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ श्रीलंका है और यहाँ इधर मालदीव है। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य इतने हैं, मैप में भी आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और ये जो लाइन है ये अध्यारोपित लाइन इसको कहा जाता है। फिर आगे बढ़िए, अफगानिस्तान को सिर्फ एक ही राज्य स्पर्श करता है, वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। आगे देखिए, चीन को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य स्पर्श करते हैं। अब जम्मू कश्मीर चीन को स्पर्श नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमें जानना चाहिए। हाँ, फिर ये देखिए मैप लगा हुआ है, मैप में ये सब पूरा कौन सा राज्य भारत के साथ जुड़ा हुआ है। नेपाल को देखिए, उत्तराखंड स्पर्श कर रहा है, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल 5 राज्य नेपाल को स्पर्श कर रहे हैं। भूटान को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये प्रश्न यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है और यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या पश्चिम बंगाल भी भूटान को स्पर्श कर रहा है कि नहीं स्पर्श कर रहा है, इसमें लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। एक देखिए असम है, असम पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, असम एक ऐसा राज्य है जो सभी को टच करता है, ये हमको जानना चाहिए। फिर आगे देखिए, म्यांमार को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर उसके नीचे साउथ में आएंगे तो मणिपुर और फिर सबसे साउथ में आएंगे तो मिजोरम। इधर देखिए मैप को भी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्य म्यांमार को स्पर्श कर रहे हैं। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले, जो कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, उसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की जो सीमा है उसको जीरो लाइन भी कहते हैं, ये जानना चाहिए। हाँ, ये देखिए, एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ये जान लीजिए, जो कमजोर लोग होते हैं वो किस्मत पर भरोसा करते हैं, वो ये मान के बैठते हैं कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो हमको ये सफलता मिलेगी और उसी पे वो डिपेंड रहते हैं और लास्ट में उनको हार ही मिलती है। जो लोग पक्के इरादे के होते हैं, जिनके इरादों में दम होता है, यानी कि जो जिनको अपने मेहनत पे भरोसा होता है, उस टाइप के जो लोग होते हैं, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हों उनके सामने सर झुकाया ही करती हैं, ये अक्सर समाज में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो, आपको अगर लगता हो कि अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन मित्रों ने इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग
अपने माँ बाप का सम्मान करते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, निश्चित ही सफलता आपके कदमों में आके ही रहेगी। विजय श्री आपका वर्ण करने के लिए मजबूर हो जाएगी। बस इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।